सिखाऊंगा। ये दाल खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और सबसे आसान और इजी तरीका आपको दाल बनाने का बताने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखिएगा। यहां पे सबसे पहले मैंने देखिए आधा कप चने की दाल ली है, इसका जो वेट है 150 ग्राम है, और उड़द की दाल ली है, उड़द छिलका, इसका जो वेट है वो 100 ग्राम है। तो चने की दाल का यूज मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया है, आप इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने दाल को अच्छी तरह से धो लेना है, दो से तीन पानी से धो लीजिए ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो अच्छी तरह निकल जाए। धोने के बाद आपने दाल को ना कम से कम आधे से एक घंटे तक भिगोना होता है। इससे क्या होता है, दाल हमारी जल्दी पक जाती है, दाल जल्दी पकेगी तो उससे हमारी गैस की बचत भी होगी। तो ये देखिए दाल को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया है। तड़का बनाने के लिए एक प्याज, इसके साथ में दो टमाटर, टमाटर अच्छे पके हुए लेने हैं आपने, साथ में हरा धनिया चाहिए आपको, फ्रेश हरा धनिया, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दाल में से। और तीखा करने के लिए दाल को आपने हरी मिर्च का यूज़ करना है, तो तीन मैंने हरी मिर्च ली है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च का यूज़ कम कर सकते हैं। 12 से 15 लहसुन की कलियाँ लेनी है और एक टुकड़ा आपने अदरक का यूज़ करना है। जो प्याज है उसको आपने बारीक काटना है, तो ये देखिए प्याज को इस तरह से पकड़िए, ऊपर कट लगा दीजिए, दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से कट लगा देने हैं। इसके बाद 1/2 करना है और 1/2 करके आप इस तरह से इसको फाइन चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से प्याज को काटेंगे, एक बराबर कटिंग रहेगी प्याज की, और डेली आप कटिंग करेंगे इस तरह से आपकी कटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। और जो हरी मिर्च है इसको आपने बीच में कट लगा देने हैं, कट लगाने के बाद आपने हरी मिर्च को भी फाइन चॉप कर लेना है। आप इस तरह से 8 से 10 मिर्ची भी इकट्ठी करके चॉप कर सकते हैं। और ये जो टमाटर को आपने देखिए इस तरह से 1/2 करना है, 1/2 करने के बाद इसमें कट लगाइए, और ये देखिए इसको ना इस साइड को पकड़ना है, ऐसे पकड़ के आप इसको भी फाइन चॉप कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी कटिंग। अब जो हमने अदरक और लहसुन लिया ना, इसको आपने कूट के डालना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से आप लहसुन को पहले कूट लीजिए। जब आप अदरक और लहसुन दाल में कूट के डालेंगे ना, जबरदस्त टेस्ट निकल के आएगा। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहें, दरदरा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और ये जो अदरक है इसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है, छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसको भी काट के डाल दीजिए, और इस तरह से इसको भी आप कूट लीजिए। तो ये हमारा सारे का सारा मिर्चा हो चुका है। अब इसका हम दाल चेक कर लेते हैं। देखिए दाल को आधे घंटे तक मैंने भिगो के रखा था, और जो चने की दाल है वो थोड़ी बहुत फूल भी चुकी है। आप एक घंटे तक भिगो के रखेंगे और ज़्यादा फूल जाती है। इसके बाद आपने दाल को इसी पानी के साथ प्रेशर कुकर में डाल देना है। आप ओपन में पतीले में बॉईल करना चाहें उसमें भी बॉईल कर सकते हैं इस दाल को। और ये देखिए दाल मैंने डाल दी यहाँ पे। अब इसके साथ में आपने इस पर पानी ऐड करना है। अब पानी कितना डालना है, अगर आपने एक कप दाल ली होगी तो 4 कप आपने इसमें पानी के यूज कर रहे हैं। इसके साथ में 3 से 4 आप इसमें लौंग डाल दीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। एक बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 से 3 आपने इसमें तेज पत्ता डालना है, आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, कलर अच्छा आएगा इससे, और इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, और 2 छोटे चम्मच आप इसमें देसी घी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, दाल में जब बिसल आएगी ना, दाल बाहर नहीं आती है। और ये रहा प्रेशर कुकर का ढक्कन, इसमें आपने ना हल्का सा घी या ऑयल लगा देना है। ये भी एक ट्रिक है, इससे क्या होता है ना, जब बिसल आती ना तो आपका कुकर ना गंदा नहीं होता है, उससे दाल ना बाहर नहीं निकल पाती है। अब ऊपर से कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई कर देनी है जब तक इसमें बिसल नहीं आती है। हाई फ्लेम में आपने एक बिसल लगवानी है, देखिए बिसल आ गई। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे लो कर देनी है, और 15 मिनट तक आप इसको लो फ्लेम में पकने दीजिए। और ये देखिए आप देख सकते हैं बिसल आई थी ना, पानी बिल्कुल भी प्रेशर से बाहर नहीं आया। तो जब तक दाल बॉयल हो रही है तब तक हम इसका तड़का भी बना लेते हैं ताकि जल्दी से हमारी दाल बन के तैयार हो। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, जैसे ऑयल गर्म हो, 1/2 चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डालना है, थोड़ी सी आप इसमें हींग डालिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से, और हींग जो है डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। जीरे को आराम से चटकने दीजिए, जैसे जीरे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अदरक लहसुन नहीं डालना है पहले आपने सीधा प्याज ऐड करना है यहाँ पे, और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर आप पका लीजिए। ये देखिए प्याज का मॉइस्चर खत्म हो चुका है, थोड़ा सा इसमें कलर आना भी शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है, और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसके बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन ऐड कर देना है, जो कूटा हुआ अदरक और लहसुन रखा है। आप इस तरह से एक बार कूट के डाल के देखिए अदरक और लहसुन को, क्या ज़बरदस्त टेस्ट आता है दाल के अंदर। और अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ पका लेना है। अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अदरक लहसुन पक चुका है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है, उससे ना दाल बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है। देगी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को मिक्स कर लीजिए, हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम में पका लीजिए।
इसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। आप टमाटरों को बारीक नहीं काट सकते हैं तो आप इनको पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जो है जल्दी गल जाए, जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, टमाटरों को ना ऊपर से कवर कर देना है। 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में आपने टमाटरों को ना पकने देना है कवर करके। इससे क्या होता है ना, जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं टमाटर पके हैं नहीं पके हैं। और देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब टमाटर गल तो चुके हैं बट इनका जो कच्चा टेस्ट है वो नहीं खत्म हुआ है। तो थोड़ी देर आपने टमाटरों को भून लेना है। भूनने से क्या होगा, टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर आपने आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आप इनको भी पका लीजिए। और मसाला बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा पानी का यूज कीजिए। पानी से आपके मसाले में फिर से मॉइस्चर आएगा और मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ी देर पका लीजिए। और पानी के साथ जब आप मसालों को पकाएंगे ना, अदरक और जो हमने लहसुन इसमें कूट के डाला है उससे अच्छा फ्लेवर निकल जाएगा। तो देखिए मसालों ने अच्छी तरह से पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया, मसाला तैयार हो चुका है। अब हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल को मैंने 15 मिनट तक पकाया है और बिसल नहीं निकालनी अपने आप। जैसे अपने आप इसकी स्टीम खत्म होगी ना, तभी आपने इसका कवर हटाना है। ये देखिए दाल हमारी जो है 15 मिनट में अच्छी तरह से पक चुकी है। इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो दाल ना पूरी तरह से मैश हो जाती है, गल जाती है। अब इसके बाद आपने गर्म गर्म दाल को तड़के के अंदर ऐड कर देना है और तड़के के साथ आप दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आपने दाल को ना तड़के के साथ भी पकाना है ताकि दाल और तड़का आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बार आप दाल में नमक मिर्ची वगैरह चेक कर लीजिए। अगर आपको दाल में नमक कम लगता है और ऐड कर सकते हैं तो। ये देखिए दाल को यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया तड़के के साथ में। जो इसमें हमने खड़े मसाले ऐड किए थे इनको आप निकालना चाहें तो इनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है दाल के अंदर आ चुका है। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर देना। अगर आपको लगता है दाल ज़्यादा थिक हो रही है, थोड़ा सा आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा थिक दाल रहती है, दाल जैसे ठंडी होती है ना और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो ये देखिए दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें लास्ट में आपने ना हरा धनिया ऐड करना है। तो धनिया को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, धोने के बाद आपने इसको बारीक काट लेना है। ये देखिए इस तरह से हरा धनिया आपने तभी काटना है जब आपकी दाल बन के तैयार हो जाए, नहीं तो इसका जो कलर है केवल डार्क हो जाता है। थोड़ी सी आपने लास्ट में इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है, थोड़ा सा धनिया डालिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लास्ट में जब आप धनिया डालेंगे ना, उसके बाद आपने दाल को पकाना नहीं है, वह गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होता है, धनिया जो विटामिन होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। और क्या देखिए थिकनेस दिखाए तो दाल की, ऐसी ही दाल में थिकनेस होनी चाहिए, इससे दाल थिक नहीं बनानी आपने। अगर आप दाल में बटर और घी खाना पसंद करते हैं तो आपने एक पैन लेना है, 2 क्यूब आप इसमें बटर के ऐड कीजिए या फिर देसी घी डाल दीजिए। और बटर को आपने ना थोड़ा सा लो फ्लेम में मेल्ट कर लेना है। जैसे बटर मेल्ट हो जाए थोड़ा सा आप इसमें ब्राउन प्याज ऐड कीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और देगी मिर्च पाउडर को आपने ना मिक्स करना है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, ज़्यादा गैस की फ्लेम तेज नहीं रखनी है, तो बटर भी जल जाएगा और देगी मिर्च भी जल जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, हरे धनिया के साथ में मिक्स कीजिए और इस तड़के को आप दाल के ऊपर डाल दीजिए। और इस तरह से आप बटर का फ्लेवर ला सकते हैं दाल में, अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। या फिर घी डालना चाहें तो इसी तरह से आप दाल के ऊपर देसी घी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा बटर पैन के साथ चिपका रह जाएगा, थोड़ी सी दाल डालिए और इसको मिक्स करके डाल दीजिए। तो इस तरह से आप दाल में बटर का फ्लेवर भी ला सकते हैं। और जल्दी से आप जीरा ब्राउन ऑनियन पुलाव बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आराम से चटकने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। जैसे जीरा चटक जाए इसके बाद आपने इसमें गर्मा गर्म बॉयल राइस ऐड करने हैं। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन प्याज डालना है। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आप राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आप ब्राउन ऑनियन पुलाव भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर।